नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की एक खास रिपोर्ट। अफीम कोटी पहुंचकर सभी ने किया नामांकन। भाजपा से 2 प्रत्याशी क्षमा सिंह और पूनम इंसान ने किया नामांकन। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से माधुरी पटेल ने भरा पर्चा। सपा से अमरावती ने भी किया नामांकन। जनसत्ता दल के नामांकन के दौरान रामपुर खास की विधायिका आराधना मिश्र के प्रतिनिधि भगवती प्रसाद तिवारी, केएन ओझा, मुक्कू ओझा, दिनेश तिवारी समेत कई जनसत्ता दल के नेता रहे मौजूद। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में राजा भैया की पार्टी को मिला कांग्रेस का साथ। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री मोती सिंह, सांसद संगम लाल गुप्ता, विधायक धीरज ओझा। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ नामांकन। जनसत्ता दल के नेता केएन ओझा ने 45 से अधिक जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन मिलने का किया दावा। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर राजा भैया समर्थित लोगों का 4 बार रहा है कब्जा। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के गड़ी पीर खां इलाके में चिकवन टोला में लगी आग। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। मुशर्रफ उर्फ बबलू के मकान में लगी आग। मकान के स्टोर रूम में लगी आग। स्टोर रूम में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। तहसीलगंज चौकी प्रभारी SI अखिलेश कुमार व FSO चौक रामकिशोर यादव दमकल कर्मियों सहित मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची 4 गाड़ियों की मदद से दमकल कर्मियों ने 3 घंटे में पाया आग पर काबू। स्टोर रूम में रखे सामान के साथ लाइसेंसी बंदूक भी जलकर हुई खाक। उजानी और बिलसी पुलिस ने ली गरीब दंपत्ति की सूद, कराया अंतिम संस्कार। देखिए बताइए हमारे संवाददाता आरिफ खान की एक खास रिपोर्ट। यूं तो खाकी पर आए दिन तोहमत लगते रहते हैं और फजीहत भी होती रही है, लेकिन इस बार बदायूं पुलिस ने वह कर दिखाया जिससे न सिर्फ खाकी में संवेदना देखी गई बल्कि इंसानियत की जीती जागती मिसाल भी कायम होती दिखी, जिसकी आज नगर में व्यापक चर्चा रही। झोपड़ी नुमा कोठरी में दर्द से छटपटा रहे दंपत्ति का पुलिस ने पहले इलाज कराया और फिर उन्हें वृद्ध आश्रम पहुंचाया, जहां वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी सूचना पाकर पुलिस ने अंतिम संस्कार कराया। आपको बता दें कि तहसील बिलसी के गांव बांस बरौलिया स्थित भट्टे पर बरेली के दंपत्ति रामनाथ गोस्वामी व उनकी पत्नी शारदा एक झोपड़ी में रहकर गुजर बसर करते थे। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से दोनों के शरीर में कीड़े पड़ गए और वह दर्द से छटपटा रहे थे। किसी तरह इसकी भनक CO अनिरुद्ध सिंह को लग गई, फिर क्या था, उनमें मानवता जाग गई और बिलसी पुलिस की मदद से उनका उपचार कराया गया। बाद में उन्हें वृद्धाश्रम ले जाया गया, जहां रामनाथ गोस्वामी की मौत हो गई। उजानी कोतवाली विशाल शर्मा और कछला पुलिस चौकी इंचार्ज रजनीश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और मृतक की कछला गंगा घाट पर अंतिम संस्कार कराया। पुलिस के इस सराहनीय कदम की आज नगर में व्यापक चर्चा रही। जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा मादक पदार्थ का दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार विरोध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति जागरूकता के दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया तथा पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया गया।